पुष्पा अंटे फ्लावर अनुकुंटी वे फायर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया धमाका, पैन इंडिया तहलका, यानी कि पुष्पा द राइज पार्ट वन के डे नंबर 18 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इन हिंदी के बारे में। एंड इट इज जस्ट स्पिटिंग फायर। मतलब ये जो खुशी दिख रहा है आपको पुष्पा का 18वें दिन का कलेक्शन देख के आया है, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि भाई अब रुक जाएगा हमको लगता है। ठीक है, 18वां दिन है, तीसरा मंडे है, अब कितना ही चलेगा। अब तो 2 करोड़ के नीचे कलेक्शन गिरेगा ही गिरेगा, वो तो क्रिसमस था इसलिए इतना हो गया था। लेकिन घंटा पुष्पा को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, इट इज जस्ट एक्सप्लोडिंग एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। कल का कलेक्शन कितना था? 62.94 करोड़। ठीक है, और आज का कलेक्शन जो निकल के आया, यानी कल ही का कलेक्शन जो आज निकल के आया है, दैट इज अ स्टैगरिंग 2.75 करोड़। कल 2.5-3 करोड़ हम सोच रहे थे, एंड इट इज जस्ट एक्जैक्टली बिटवीन इट, 2.75 करोड़ ऑन अ डे नंबर 18। कहां कहां रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, बहुत जगह 50% हो जा रहा है, आज पंजाब में भी हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल का कलेक्शन भी इसी लेवल का आने वाला है, क्योंकि इट इज हैविंग अ ड्रीम रन। एकदम जो कर्व होता है ना, उल्टा करके रख दिया है, ऐसे कर्व जाता है, सबका ऐसे जाता है, इसका ऐसे जा रहा है, एकदम कर्व मतलब ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। क्योंकि आपको लगेगा कि अब 6.25 करोड़ से भाई 2.75 करोड़ आ गया, इतना खासा ड्रिप लिया है। लेकिन अगर पिछले थर्सडे से देखो, वेडनेसडे को 2.5 करोड़ कमाया था, तो थर्सडे को 2.24 करोड़ कमाया था, तो पिछले थर्सडे वेडनेसडे से ज्यादा कमा रहा है मंडे को। मतलब जब आपके सारे जो न्यू ईयर्स वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है, सारे जो इवेंट्स हैं या फिर जो भी सेलिब्रेशन है, खत्म होने के बाद 2.75 करोड़, आई मीन इट इज इनसेन इनसेन। और अब देखते हैं कहां तक इसका ड्रीम रन चलता है। तो टोटल जो कलेक्शन है पुष्पा का, वो अब हो चुका है 65.69 करोड़। यस, इट हैज क्रॉस द 65 करोड़ मार्क। और हम बोले थे बस 3 दिन लगेगा हमको लगता है, और 3 दिन के बाद ऐसा नहीं कि 70 पे पहुंचेगा, नहीं, ये 71 टच करेगा आराम से। इसी लेवल के कलेक्शंस आने वाले हैं, और फिर वीकेंड आएगा, फिर एक बार इसका उछाल होगा। और अब जो लग रहा है कि 100 करोड़ जो हम लोग के दिमाग में है, द गोल्डन फिगर ऑफ 100 करोड़ इन पुष्पा हिंदी, इट इज ऑन, डेफिनेटली इट इज ऑन। अगर थिएटर्स बंद नहीं हुए, ये 100 मार्क ही होगा खुश उसके बाद, तो भाई हिस्ट्री बन जाएगा। मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स, एक समय पर रिलीज नहीं होने वाला था और वहां पे जाके 100 करोड़ कमाएगा हिंदी में, अभी के सिचुएशन में इट इज जस्ट हिस्ट्री, हिस्टोरिक ट्रेंडिंग बाय पुष्पा, एंड मन खुश कर दिया एक तरह से। 65.69 करोड़, बहुत अच्छा शुरुआत लिया है अपने चौथे वीक में। अब देखते हैं भाई किस तरह से होता है चीजें, कितना अच्छा चलता है, कितना अच्छा आगे बढ़ता है। और हम यही होप करेंगे कि भाई और कहीं भी कंप्लीट शटडाउन नहीं हो, जैसा कि दिल्ली में या फिर हरियाणा में जो हो रहा है, उस तरह का कंप्लीट शटडाउन नहीं हो, अदरवाइज इट विल जस्ट मैश एवरीथिंग। आपके क्या ख्याल है पुष्पा के कलेक्शन के बारे में, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। कल का कलेक्शन कितना हो सकता है, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से आराम से 2.5 करोड़ तो मारने वाला है कल, आपका जो भी है थॉट्स बताना। और अगर 2.5 करोड़ मार लेता है तो इट विल टच 68 करोड़ पार कर जाएगा, और बहुत जल्दी 70, 75, 80, देखते हैं कहां तक जाता है। इट इज हैविंग अ ड्रीम रन, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी द कलेक्शन ऑफ पुष्पा अल्लू अर्जुन, प्योर स्टार पावर, प्योर स्टारडम, एंड प्योर बॉक्स ऑफिस पुल जो उन्होंने दिखाया है। मास को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैग्नेट हो। तो आपका क्या ख्याल है इन सब के बारे में, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। और कुछ बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।